हाय, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर का फोर्थ लेक्चर, जो कि आता है मोशन इन अ प्लेन में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एनालिटिकल मेथड देखा था हमने, एनालिटिकल मेथड। इसमें एनालिटिकल मेथड में हमने देखा था, ए प्लस बी अगर रहा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर रहा, तो इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, या मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं। हमने देखा था आर के लिए फॉर्मूला बना था एनालिटिकल मेथड में, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। देन ये थीटा क्या होता था, ये होता था एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये हमने देखा था, समझ लीजिए कि एक वेक्टर है ए एंड ये वेक्टर है बी, दोनों के बीच का एंगल होता था थीटा। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एनालिटिकल मेथड में, अगर हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है ए प्लस बी करके, यानी दो वेक्टर का एडिशन करके जो रिजल्टेंट फाइंड करना होता था उसके लिए फॉर्मूला होता था। देन रिजल्टेंट कहीं से भी निकले, उसका एंगल मतलब पोजीशन फाइंड करते थे हम कैसे, अल्फा फाइंड करके। अल्फा अगर निकल गया तो हम कह सकते थे उसका फॉर्मूला था टेन इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, ये होता था। देन अब आते हैं, अगर वेक्टर ए है एंड उसमें से वेक्टर बी को माइनस करना है तो रिजल्ट क्या, टर्न क्या होगा, यानी ए माइनस बी करना है वेक्टर में तो रिजल्टेंट क्या होगा, उसके लिए हम देखेंगे फॉर्मूला क्या होगा। ये फॉर्मूला क्यों है, ये तब यूज होगा जब ए प्लस बी होगा, ए माइनस बी होगा तब ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, ज्यादा कुछ भी नहीं रहेगा, वो हम देखेंगे आज के लेक्चर में। देन उसी तरीके से अल्फा, उसका पोजीशन अगर रिजल्टेंट तो निकल जाएगा, ए माइनस बी का रिजल्टेंट के लिए भी फॉर्मूला डिराइव करना है एंड ए माइनस बी के पोजीशन के लिए भी या डायरेक्शन के लिए भी हमें अल्फा का फॉर्मूला फाइंड करना होगा। थोड़े से वेरिएशंस रहेंगे, यहां पर देख लेते हैं वेरिएशंस क्या रहेंगे। जिस तरीके से यहां पर ए प्लस बी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, अगर ए माइनस बी रहेगा तो फॉर्मूला बनेगा आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। सिंपल, सिर्फ इतना ही चेंज आएगा। क्या चेंज है, यहाँ पे ए प्लस है और ये माइनस है। जब ए माइनस बी करेंगे और हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो फॉर्मूले में माइनस लगेगा। ए प्लस बी फाइंड करेंगे तो रिजल्टेंट के फॉर्मूले में यहां पर बीच में प्लस रहेगा, सिर्फ इतना ही फर्क है। एंड ये थीटा एंगल सेम रहेगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। लेकिन मैंने आपको बता चुका हूं कि ए प्लस माइनस बी होता है, एक्चुअली क्या होता है ये, ए प्लस माइनस बी। ए माइनस बी मतलब ए प्लस ऑफ माइनस बी, क्योंकि वेक्टर्स में हमेशा एडिशन होता है। ये भी मैं आपको बता चुका था कि वेक्टर में हमेशा एडिशन होता है, यहां पर सब्सट्रैक्शन नहीं होता। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, कि वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी, राइट। तो यहां पर इसलिए माइनस आ रहा है क्योंकि यहां पर ए माइनस बी कर रहे हैं। अब देखते हैं यहां पर अल्फा का क्या चेंज आएगा। अल्फा में भी हमें यही फॉर्मूला रहेगा, टेन इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा अपॉन ए, ये जो प्लस है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा बी कॉस थीटा, राइट। कब ये वाली सिचुएशन कब यूज होंगी, ए प्लस बी में। ये वाली सिचुएशन कब यूज होंगी, ए माइनस बी में, राइट। क्लियर है अभी। देन यहां पर देखना, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, अभी हम इसको डिराइव करेंगे मैथमेटिकली या फिर एनालिटिकली, हम इसे डेराइव करेंगे अभी ये सारी इक्वेशन के। क्यों ये वेरिएशंस आए हैं, हम ए प्लस बी ले रहे हैं तो यहाँ प्लस आ रहा है, ए माइनस बी में यहाँ माइनस क्यों आ रहा है, ये हम देखेंगे। ड्रॉ कर लीजिए, मिटा देता हूँ। देन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का आगे का टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हम देखेंगे कि फॉर्मूला क्या आएगा, अगर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करते हैं तो उसके लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, वो देख लेते हैं। अगर आपको और अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझना है, और ये इसमें तो समझ ही जाएगा, लेकिन आपको वेक्टर को स्टार्टिंग से अच्छे से समझना है, प्लेलिस्ट में आप लेक्चर जाकर देख सकते हैं, वेक्टर का 1 2 3, ये फोर्थ लेक्चर है। देखते हैं अभी हम कि अगर एनालिटिकल मेथड में हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं, ए माइनस बी का रिजल्टेंट के लिए हम फॉर्मूला फाइंड करने जा रहे हैं कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट बोले तो आर क्या होगा एंड डायरेक्शन क्या होगा, मतलब अल्फा क्या होगा। यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं कहूँ ये वेक्टर ए है, देन उसी तरीके से एक वेक्टर बी है, दोनों के ये जो एंगल है ये है थीटा डिग्री, राइट। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पर ए शिफ्टिंग के थ्रू ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वेक्टर, ये हो जाएगा थीटा, राइट।
ये ए एंड बी एंड थीटा। अब मुझे क्या करना था, इसके पहले हमने देखा था रिजल्टेंट निकालने के लिए, ए प्लस बी का रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला भी देखा था, उसमें हमने कुछ थ्योरम्स भी देखे थे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, देन पॉलीगॉन थ्योरम और फैक्टर एडिशन, और हमने देखा था साथ ही साथ ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, ये सब भी देखा था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि हमें ए में से माइनस बी को प्लस करना है, तो क्या करेंगे, ये बी है तो बी का नेगेटिव वेक्टर लेना होगा। बी का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, इस तरीके से कुछ रहेगा, ये हो जाएगा वेक्टर माइनस बी। ये वेक्टर क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ में नेगेटिव वेक्टर है। तो अभी हमें क्या करना है, एडिशन किन दोनों का करना है, वेक्टर ए का एंड वेक्टर ऑफ माइनस बी का। यहां पर सेम क्या बनाएंगे, अभी हम यहां पर पैरेललोग्राम बन जाएगा, ये इसका होगा रिजल्टेंट, राइट, इन दोनों वेक्टर में क्या होगा, ये रिजल्टेंट, ये एंगल क्या कहलाता है, अल्फा, ये एंगल कहलाता है अल्फा। देन अभी हम फाइंड करते हैं इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ए एंड बी का एंगल हमें पता है कि थीटा है, लेकिन ए एंड माइनस बी के बीच का एंगल क्या होगा, ये फाइंड करना है। पहले तो हम सिंपली तरीके से इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि हम यहां पर कर क्या रहे हैं, प्लस ऑफ ए एंड माइनस बी कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे बनता आया है अभी तक के, प्लस के लिए वेक्टर ऑफ ए प्लस एंड वेक्टर ऑफ बी का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, यही होता था। देन यहां पर सिर्फ क्या हो रहा है कि एंगल जो है ये थीटा है, यहां पर हम एंगल क्या लेंगे, एंगल बिटवीन ए एंड बी था ये, तो यहां पर अभी हमें एंगल कौन सा लेना लेना होगा, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, क्योंकि हमने ये एडिशन का ही फॉर्मूला अप्लाई किया है, हमने एडिशन का ही फॉर्मूला अप्लाई किया है, इसलिए हमें एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी लेना होगा। एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी क्या होगा, यहां से यहां तक के क्या है, 180 डिग्री है, ये थीटा है, देन ये अल्फा है, तो ये क्या होगा, ये वाला एंगल क्या रहेगा, 180 में से थीटा एंड अल्फा दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये एंगल बनेगा 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा, ये बनेगा ये वाला एंगल यहां से यहां तक के। देखिए माइनस बी एंड ए के बीच का एंगल क्या है, अल्फा प्लस ये एंगल आ गया 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा, कैसे आया ये वाला एंगल, कैसे आया, पूरे 180 में से इसको माइनस कर दिए, देन इसको माइनस कर दिए, तो ये एंगल मिल गया। देन अभी मैं देखता हूं ये पूरा एंगल क्या होगा, पूरा एंगल अगर मुझे निकालना है, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी निकालना है, तो क्या होगा, 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा कर देंगे, ये अल्फा ऐड हो जाएंगे इसमें, ये एंगल में अल्फा ऐड हो गया, तो इन दोनों के बीच का एंगल मिल जाएगा। देन यहां पर आ रहा है, एंगल मिल रहा है मुझे 180 माइनस थीटा, ये मिल गया एंगल, तो ये एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल कितना आ रहा है, 180 माइनस थीटा, राइट। तो यहां पर जो फॉर्मूला रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, द एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी क्या रहेगा, 180 माइनस थीटा, राइट, जिन दो वेक्टर्स का एडिशन होता है, देन उसमें एंगल उन दोनों के बीच का आता है, जिन दो का एडिशन होता है उसमें एंगल बीच का आता है, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला हो गया, ये भी फॉर्मूला क्या हो गया, एकदम एक्यूरेट फॉर्मूला हो गया, सिर्फ एंगल चेंज हुआ है, क्या किया हमने, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी किया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन ये क्वांटिटी क्या होती है, यहां पर देख लीजिए, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा होता है, राइट। यहां पर 180 माइनस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल है, लेकिन ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये है 180 माइनस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, ये फर्क है, माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, कैसे आ गया, माइनस साइन कैसे आ गया प्लस से, यहाँ पे क्योंकि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ, ये माइनस हमने यहां लगा दिए, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा लिखा हमने, ये माइनस इधर आ गया। देन यहां पर देखिए दोनों ही करेक्ट फॉर्मूले हैं, बस डिफरेंस इतना है कि अगर हम एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी ले रहे हैं, तो बस ये वाला फॉर्मूला रहेगा, यहां प्लस रहेगा, यहां पर 180 माइनस थीटा रहेगा, 180 माइनस थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, अगर हम उसको माइनस कर दे रहे हैं बीच में साइन को, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी ही रहेगा, जो ओरिजिनल एंगल था, बिना नेगेटिव वेक्टर लिए जो एंगल था पहले ए एंड बी का, उसके बीच का एंगल लेना रहेगा थीटा। तो हम ज्यादातर यूज तो यही वाला करते हैं, ये इजी पड़ता है, क्योंकि क्या है, सारी चीजें सारी क्वांटिटी वैसी की वैसी है, एंगल बिटवीन ए एंड बी हमेशा लेना होता है पॉजिटिव में भी, जब हम
एडिशन करते हैं वेक्टर का, तब भी हम यही लेते हैं एंगल बिटवीन ए एंड बी। हम जब सब्सट्रैक्शन करेंगे वेक्टर्स का, मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को माइनस करेंगे एक दूसरे में से, या वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करेंगे, तो तब भी हम वही एंगल लेंगे, तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, एंगल हमेशा सेम रहेगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। बस सिंपल क्या चेंज होगा, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। देन अल्फा अगर हम निकालते हैं, तो मैंने अल्फा के लिए अभी आपको बताया था, अल्फा के लिए हम फॉर्मूला क्या होता है, टेन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, यही होता है। लेकिन इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, टेन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन 180, ए एंड माइनस बी के बीच का एंगल लेना होगा, 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस कॉस 180 माइनस थीटा, ऐसा आ जाएगा। अब यहां पर देखिए एक टर्म और लिखा देता हूं, एक फॉर्मूला आपको, कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ही होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेम क्वांटिटी रहेगी यहां पर, बी साइन थीटा अपॉन ये ए एज इट इज रहेगा, देन ये क्वांटिटी क्या होती है, माइनस कॉस थीटा, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो टेन अल्फा इक्वल्स टू ये फॉर्मूला हो गया। देखिए फॉर्मूला ये भी करेक्ट है, ये वाला, और ये भी करेक्ट है। इसमें क्या है कि हम एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी ले रहे हैं, तो ये फॉर्मूला आ रहा है, इसमें हम एंगल बिटवीन ए एंड बी ले रहे हैं, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जा रहा है, जैसे इसमें हुआ था सेम। बस इतनी सी ही चीज़ है, ड्रॉ कर लीजिए, मिटा देता हूँ। देखते हैं अभी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन लेते हैं, टू वैक्टर्स ए एंड बी आर सच डेट मॉड ऑफ वैक्टर ए प्लस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ वैक्टर ए माइनस बी, यानी a प्लस बी का मॉड एंड वेक्टर a माइनस बी का मॉड दोनों इक्वल होता है। तो कब होगा ये दोनों इक्वल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b, तो हमें जब ये इक्वल होता है तो a एक वेक्टर है एंड b एक वेक्टर है, कैसे भी हो सकता है, ये b एक वेक्टर है, तो a वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच का एंगल जो जनरली हम थीटा से डिनोट करते हैं, ये फाइंड करना है थीटा, राइट। सिंपली कितना भी हो सकता है, 0, 80, 180 या 90, जो भी, तो हमें फाइंड करना है। तो हमें वो टर्म दी हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है, इस कंडीशन पे कितना एंगल होगा, तो हम पहले ये कंडीशन ड्रॉ कर लेते हैं, ए प्लस बी का मॉड इक्वल्स टू ए माइनस बी का मॉड, ये हो गया। देन यहां पर देखिए ये क्वांटिटी है क्या, एक्चुअली ये क्वांटिटी है क्या, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो भी रिजल्ट, वेक्टर ए एंड प्लस वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट है, वही आता है ये क्वांटिटी है क्या, एक्चुअली ये रिजल्टेंट है, किसका, वेक्टर ए एंड बी का। रिजल्टेंट कैसे फाइंड होता है, आर, इन दोनों का एडिशन करने पे हमें क्या मिलेगा, आर मिलेगा, आर का मैग्नीट्यूड। एक्चुअली ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के एडिशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो सिर्फ क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यहां पर क्या रहेगा, यहां पर भी मैग्नीट्यूड ऑफ आर, लेकिन ये वाला जो आर है ये क्या है, किसका रिजल्टेंट है, a माइनस बी का रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट क्या है, a प्लस बी का है, और यहां पर a माइनस बी का रिजल्टेंट है, राइट। दोनों में ये फर्क है, हम इसे r डैश दे देते हैं, ठीक है, इस रिजल्टेंट को, दोनों को इक्वल, हम इसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है देख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, राइट। जब प्लस होता है तो क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। देन उसी तरीके से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रहेगा, क्योंकि ए माइनस बी है तो माइनस रहेगा, ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। दोनों तरफ एंगल सेम ही है, एंगल बिटवीन ए एंड बी है, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी नहीं है। देन यहां पर देखिएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो सिंप्लीफाई करके ये आ जाता है ए स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म पूरी यहां पर आ जाएगी, तो 2ab cos थीटा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 4ab cos थीटा, सिंप्लीफाई करूंगे तो यही आएगा इक्वल्स टू जीरो, देन ये टर्म इक्वल्स टू जीरो है, तो cos थीटा, ये थीटा की कौन सी वैल्यू रखने पर ये पूरी टर्म जीरो हो जाएंगी, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएंगी, मतलब जीरो इक्वल्स टू जीरो, मतलब दोनों तरफ सेम आ गया, दोनों तरफ इक्वलिटी बैलेंस हो गई, है ना। यहां पर अगर 1 इक्वल टू 0, ये पॉसिबल है कि ये क्वांटिटी का, पूरी क्वांटिटी का अगर वैल्यू 1 आ जाता है तो 1 इक्वल टू 0, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए क्या करना होगा, ऐसी कोई वैल्यू लेना होगा थीटा की जिसमें ये पूरी टर्म 0 आ जाएगी, 0 इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाए, तो
तो थीटा की कौन सी वैल्यू आती है, पहले देखते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री कॉस 0 इज 1 होता है, तो 1 अगर पुट करते हैं 4AB इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू 0 नहीं आ रहा है। देन देखते हैं बी 90 डिग्री, तो कॉस 90 इज 0, ये 0 हो जाएगा, इसके मल्टीप्लीकेशन में आके पूरी टर्म 0 हो जाएंगी, 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो कॉस की वैल्यू क्या रखने पर 0 आ रहा है, 90 डिग्री, तो थीटा मतलब थीटा की कौन सी वैल्यू रखने पर आ रहा है ये पूरा जीरो टर्म, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखिए अगर हम 60 रखते तो भी नहीं आता, कॉस 60 होता 1/2, तो यहाँ से 2AB बचता हमारे पास में इक्वल्स टू 0, तो भी हमारा जो स्टेटमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रहा था। 180 रखते तो आता -1 आता तो भी 0 इक्वल टू 0 नहीं बैठ रहा था, सिर्फ थीटा रखने पे, थीटा इक्वल्स टू 90 रखने पे हमारा आ जाता है ये आंसर 0 इक्वल टू 0, इसलिए करेक्ट आंसर इज 90 डिग्री। ड्रॉ कर लीजिए, देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। अ पार्टिकल बी मूविंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ 5 मीटर पर सेकेंड की, देन टुवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन, तो 5 मीटर पर सेकेंड है एक पार्टिकल का वेलोसिटी ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, देन एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद में क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, नॉर्थ हो जा रहा है, लेकिन वैल्यू सेम रह रही है, 5 मीटर पर सेकेंड ही रह रही है। देखिए वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड, पहले भी 5 थी अभी भी 5 है, नॉर्थ इन 10 सेकेंड, नॉर्थ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो क्या हो रहा है 10 सेकेंड के बाद में डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी रह रही है लेकिन डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, नॉर्थ हो जा रहा है आफ्टर, इसके लिए टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहा है, 10 सेकेंड में क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो अभी हम देखते हैं, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ये है ईस्ट डायरेक्शन में, देन इसको मैं ऐसे कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ से, राइट, ये नॉर्थ डायरेक्शन में शिफ्टिंग कर दिया, मिला दिया बोलिए जो भी, ये हो जाएगा वेक्टर ए ले लेते हैं इसको जिस तरह, या फिर वी वन ले लेते हैं इसको, इसको ले लेते हैं वी टू, तो वी वन भी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है, एंड वी टू भी क्या है, वी टू इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, चेंज नहीं हुआ, या हम इसे ये भी ले सकते हैं वी इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी, देन फाइनल वेलोसिटी क्या है वो भी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको वी एफ ले सकते हैं, वी आई वी एफ, या वी वन वी टू इस तरीके से भी ले सकते हैं, तो पहले वेलोसिटी इतना था अभी इतना हो गया, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ईस्ट से नॉर्थ चले गया परफेक्टली, तो 90 डिग्री एंगल होगा, तो 90 डिग्री क्या है, इट इज थीटा, द एंगल बिटवीन ए एंड बी, या एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दिस इज थीटा, राइट, देन ये थीटा हो, मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बोलो फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, फाइनल अगर मैं वी टू ले रहा हूँ, इनिशियल वी वन ले रहा हूँ, या फाइनल वी एफ ले रहा हूँ, इनिशियल वी आई ले रहा हूँ, तो वी एफ माइनस वी आई, या वी टू माइनस वी वन अपॉन टी, ये होगा, तो मुझे पहले तो ये क्वांटिटी फाइंड करनी होगी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, कि वी टू एंड वी वन का डिफरेंस क्या है, जिस तरीके से हम निकालते थे ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी जो निकालते थे, उसी तरीके से हम वेक्टर वी टू माइनस वेक्टर वी वन निकालेंगे पहले, देन उसके बाद में जो भी वैल्यू आएंगी उसको डिवाइड करेंगे हम 10 सेकेंड से, 10 से, तो हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल जाएगा। अभी क्या बोला है, इसे वेक्टर ये हो गया वी वन, ये हो गया वी टू, देन मुझे क्या माइनस करना है, वी टू में से वी वन माइनस करना है, तो वी वन का निगेटिव वेक्टर लेंगे, है ना, निगेटिव वेक्टर मतलब सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गया, तो माइनस वी वन हो जाएगा ये, है ना, अब मुझे ये वाला वेक्टर और इस वेक्टर मतलब v2 एंड माइनस v1 इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा, यहाँ पर 90 है ना, ये दोनों 90 है, इसके अगेंस्ट में ये ले लिया तो ये भी कितना डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, लेकिन हम फॉर्मूला जब लगाते हैं, हम एंगल क्या लेंगे, जब हम माइनस ट्वाइस ए बी फॉर्मूले में, जब हम रिजल्टेंट के फॉर्मूले में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी अगर लेते हैं, तो कॉस थीटा लेते हैं, एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो हम ये वाला एंगल लेंगे फॉर्मूले में, अब ये एक इत्तेफाक है कि यहां पर ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल आ गया, ये एंगल नहीं लेना है हमें फॉर्मूले में, फॉर्मूले में ये एंगल लेना है ए एंड बी के बीच का, या वी वन एंड वी टू के बीच का, है ना, ये माइनस वी वन का एंगल नहीं लेना है जब हम फॉर्मूले में माइनस साइन लगाते हैं। अब आगे देखते हैं कि कैसे निकालेंगे, मुझे इतना ये तो मिल गया मुझे ट्रायंगल पैरेललोग्राम से, अगर मैं इसका ये पॉइंट मिल गया मुझे, अगर मैं इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करता हूँ, ये आ गया रिजल्टेंट, तो एक चीज समझने वाली है, बहुत आसान है, दोनों का वैल्यू क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है, वैल्यू चेंज नहीं हुआ, दोनों के बीच का एंगल सेम है, दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है, राइट,
दोनों का वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड है, दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है, मतलब पैरेललोग्राम से जब मैं ये बनाता हूँ तो परफेक्टली क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बनेगा, तो जब मैं ये जोड़ूंगा तो परफेक्टली अल्फा क्या आएगा 45 डिग्री। ये जो रिजल्टेंट है ये दोनों को 45 45 में डिवाइड करेगा तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको निकल गया रिजल्टेंट अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री, रिजल्टेंट का एंगल मिल गया। अच्छा ये रिजल्टेंट क्या होगा, आर होगा, तो ये आर क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, ठीक है। ये R क्या है, V2 माइनस V1 का रिजल्टेंट है। इसका एंगल हम फाइंड भी कर सकते थे कैसे, फॉर्मूला लगा के, है ना, A माइनस B के लिए जो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले लिखाया हूँ आपको, वो फॉर्मूला लगा के आप रिजल्टेंट फाइंड कर सकते थे, रिजल्टेंट का एंगल फाइंड कर सकते थे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट मिल गया। देन यहाँ पर देखते हैं ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए की जगह यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा माइनस ट्वाइस वी वन वी टू कॉस थीटा। मैंने बताया आपको ये थीटा क्या रहेगा, एंगल बिटवीन वी वन एंड वी टू, इट इज़ नॉट ए एंगल बिटवीन माइनस वी वन एंड वी टू, राइट, ये इत्तेफाक है कि दोनों 90 90 है। देन आर इक्वल्स टू वी वन का वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर प्लस वी टू का भी 5 स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा इज 90, कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, कॉस 90 इज 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो आर का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 2 टाइम 5 स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। देन यहां पर देखिए R इक्वल्स टू ये 5 बाहर निकल जाएगा तो 5√2 हो जाएगा, ये मेरा क्या निकल गया R, R क्या है रिजल्टेंट ऑफ दिस V2 माइनस V1, तो यहां पर जब मैं R, ये क्या होगा इसका R, तो अपॉन टाइम क्या लिखेंगे 5√2 अपॉन T इज 10, ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, यहां पर 2 बचेगा। देन A इक्वल्स टू, मैं यहां लिख के बता देता हूं, A एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या बचा यहां पे √2 अपॉन 2, देन A इक्वल्स टू √2 अपॉन √2 इंटू √2 लिख सकता हूं मैं इसको, तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन √2, राइट, ये वैल्यू निकल गई मेरी एक्सेलरेशन की, राइट। तो यहां पर कौन सी है एक्सेलरेशन की, 1 अपॉन √2, ये भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीन तीन वैल्यूज हैं यहाँ पर 1 अपॉन √2, लेकिन अब डायरेक्शन क्या है ये देख लीजिए, यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, नॉर्थ एंड वेस्ट, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है हमारा रिजल्टेंट, तो यहाँ पर कोई है क्या ऑप्शन नॉर्थ एंड वेस्ट, ये देखते हैं, ये वाला देखिए आप ऑप्शन 1 अपॉन √2 मीटर पर सेकेंड इसका नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में हमारा आ रहा है रिजल्टेंट, इसलिए डायरेक्शन भी क्या होगा इसका, एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन क्या होगा नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में, तो हमारा आंसर करेक्ट इज सेकेंड वाला बी, ड्रॉ कर लीजिए। अच्छा यहाँ पर देखिए आपको इतना बनाने की जरूरत भी नहीं थी, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला रखिए, ये वाला आर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये माइनस है, ये पता है आपको माइनस है, और यहाँ पर थीटा एंगल 90 है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, डायरेक्टली प्रॉब्लम में गिवन है क्योंकि वो ईस्ट से नॉर्थ के तरफ पलटा है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ये वैल्यूज तो आप आसानी से निकाल सकते हो विदाउट एनी ड्रॉइंग, कोई ड्रॉइंग नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपका आर निकल जाएगा, लेकिन आपको ड्रॉ करना पड़ सकता है ये वाली चीज, कब, उसका डायरेक्शन पता करने के लिए, 1 अपॉन √2 तो आपका ये निकल जाएगा पूरा, आप पूरा वैल्यू निकाल लोगे पुट करके, लेकिन आपका डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है या फिर नॉर्थ ईस्ट है, ये पता करने के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा कि एक डायरेक्शन इधर है ईस्ट है, एक नॉर्थ है, तो ईस्ट का अपोजिट क्या होगा वेस्ट होगा, तो नॉर्थ वेस्ट में हमारा आएगा एक्सेलरेशन या फिर रिजल्टेंट भी आएगा, तो एक्सेलरेशन भी उसी में आएगा, क्लियर है, बिना ड्रॉ करे भी आप, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो इस प्रॉब्लम को बिना ड्रॉ करे, ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अ कार गोइंग ड्यू नॉर्थ एट 10√2 मीटर इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स मतलब मीटर पर सेकंड ये है, तो उसका क्या दिया है वेलोसिटी दिया है 10√2 मीटर पर सेकंड, अ कार गोइंग ड्यू नॉर्थ एट 10√2 मीटर पर सेकंड, कहाँ जा रहा है कार, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, वेलोसिटी है इसका 10√2,
राइट। फिर टर्न्स राइट थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, फिर क्या हो रहा है, राइट टर्निंग ले रहा है, यहाँ पर क्या है मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी है, राइट। देन यहाँ पर इसने टर्न राइट ले लिया 90 डिग्री से, ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो ये ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, नॉर्थ से ईस्ट में उसने टर्न ले लिया 90 डिग्री पे। देन उसका विदाउट चेंजिंग स्पीड, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी वी क्या है 10√2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी वही था, इनिशियल वेलोसिटी भी वही है एंड फाइनल वेलोसिटी भी वही है, वी वन एंड वी टू दोनों सेम ही है यहाँ पर भी। देन स्पीड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार इज, ये कुछ ऑप्शंस गिवन है आपको, तो चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है आपको, चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पर स्पीड दोनों का सेम है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है लेकिन चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब सिंपल है, आपको वी फाइनल माइनस वी वन फाइंड करना है, यानी वी टू माइनस वी वन, इसको वी टू नाम दे देता हूँ, इसको वी वन नाम दे देता हूँ। यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन अलग है सिर्फ, या फिर मैं इसको इनिशियल एंड फाइनल भी नाम दे सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, वी टू माइनस वी वन फाइंड करना है, यही होगा हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, है ना, जिस तरीके से हम निकालते हैं ए माइनस बी वेक्टर, ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू आर होता है रिजल्टेंट, उसी तरीके से हमें ये क्वांटिटी फाइंड करनी होगी। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में भी देखा हमने, क्या करेंगे सिंपल फॉर्मूला लगा लीजिए, आर का फॉर्मूला क्या है ऐसी कंडीशन में, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस, ट्वाइस वी वन वी टू कॉस थीटा, थीटा इज 90 डिग्री, द एंगल बिटवीन वी एंड क्या रहेगा, द एंगल बिटवीन वी वन एंड वी टू, वी वन एंड वी टू के बीच का एंगल होगा। एक्चुअली देखिए यहाँ पर ये ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, इसे शिफ्टिंग करके ये ऐसा कुछ बन रहा है, एंगल बिटवीन वी वन एंड वी टू क्या बन रहा है, यहाँ पर लेते हैं ये वी टू हो जाएगा और ये वी वन हो जाएगा, तो एंगल बिटवीन वी वन एंड वी टू या वी टू एंड वी वन के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो हम क्या लेंगे इन दोनों का एंगल लेंगे बीच में, वी टू माइनस वी वन के बीच का एंगल नहीं लेंगे, वी टू एंड वी वन के बीच का एंगल लेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा आर इक्वल्स टू 90 डिग्री ले लिया हमने, ये हो गया अंडर रूट ऑफ, ये भी क्या था 10√2 का होल स्क्वायर, 10√2 का होल स्क्वायर। देन ये वाली टर्म देखिए, कॉस जीरो इज, कॉस 90 इज 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, सिर्फ बचेगा क्या इतनी ही क्वांटिटी बचेगी, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं और, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये 100 × 2 ये स्क्वायर करने पे, यहाँ पर भी क्या होगा 100 × 2, तो यहाँ पर सिंपली 400 हो गया, राइट। तो 20 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसे, आर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर, यानी 20 बाहर हो जाएगा, तो आर का वैल्यू क्या आ गया आपका 20, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि हमारा आर का वैल्यू आ रहा है 20। लेकिन अब डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन कैसे बनेगा, इन दोनों के बीच में रहेगा क्या आर, ऐसा रहेगा आर नहीं, हम क्या कर रहे हैं वी टू माइनस वी वन कर रहे हैं, मतलब एंगल इसका क्या लेना होगा हमें, माइनस इसको कर रहे हैं ना वी वन को, तो वी वन का नेगेटिव एंगल लेना होगा हमें, ये वी वन का आ गया नेगेटिव एंगल, राइट, सॉरी नेगेटिव वेक्टर, ये वी वन है तो ये होगा माइनस वी वन, और हमारा रिजल्टेंट कैसे मिलेगा फिर, इन दोनों के बीच में मिलेगा, है ना, इन दोनों के बीच में मिलेगा रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट यहाँ नहीं होगा, रिजल्टेंट यहाँ होगा, मतलब ईस्ट एंड साउथ डायरेक्शन में, ईस्ट एंड साउथ, तो यहाँ पर देखिए 20 मीटर पर सेकेंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यही एक है, बाकी अलग अलग डायरेक्शन अलग अलग वैल्यूज है, तो ए होगा इसका करेक्ट आंसर। तो हमारे रिजल्टेंट कहाँ होगा एक बार फिर से देख लीजिए, ये वी वन है, वी वन का नेगेटिव वेक्टर लेना है क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, वी टू में से वी वन को माइनस कर रहे हैं, तो नेगेटिव वेक्टर नीचे जाएगा, इसलिए इन दोनों के बीच में हमारा रिजल्टेंट मिलेगा, क्लियर है ये चीज़। हमने एंगल कौन सा लिए थे, ये वाला लिए थे 90 डिग्री वी वन एंड वी टू के बीच का, लेकिन रिजल्टेंट हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, राइट, क्लियर है, ड्रॉ कर लीजिए, हटा देता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, एक बॉडी है ये, जैसे कि एक बॉडी है ये चौक है, ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसे मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ है, मतलब एक सर्कल बना रहा है और कॉन्स्टेंट स्पीड से, इसका स्पीड क्या है कॉन्स्टेंट है, मतलब मैं यहाँ पर भी स्पीड वही है, यहाँ भी स्पीड वही है, एक जैसी स्पीड में सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है। देन
उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड, एक जैसी स्पीड में जो वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, वी है। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है व्हेन द एंगल डिस्क्राइब एट अ सेंटर ऑफ द सर्कल इज थीटा। पूछा क्या है वो देख लीजिए, एक ये बॉडी है, ये बॉडी ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कहेंगे, है ना। ये बॉडी जब ये सर्कल में मूव कर रहा है तो इसे क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। देन इसका सेंटर है। अच्छा ये बताइए कि ये बॉडी यहाँ पर है तो इसका स्पीड क्या है, वी है। ये बॉडी यहाँ पर आया तो भी वी, यहाँ पर आया तो भी वी, यहाँ पर आया तो भी वी, क्योंकि इसका यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड है, इसलिए स्पीड क्या है हर जगह उसका, वी है। मैं कंसिडर कोई भी एक पॉइंट करता हूँ कि यहाँ पर उसका पहला इनिशियल पोजिशन है एंड फिर वो आता है सेकंड पोजिशन पे, फर्स्ट पोजिशन ये सेकंड पोजिशन पे आ जाता है इतने में कहीं, ठीक है। यहाँ पर वो आ गया सेकंड पोजिशन पे, तो यहाँ पर भी क्या होगा इसका, वी। कहीं से भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि ये एक पोजिशन कंसिडर कर लिया, फिर वहां से वो यहाँ पर आ गया, तो ये भी कंसिडर कर सकता हूँ। तो वो क्या कह रहा है कि मुझे डिफरेंस फाइंड करना है या चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है, कब, जब वो थीटा एंगल बनाता है। कैसे थीटा एंगल, कि जब यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर इसका वेलोसिटी या स्पीड है वी, ये पोजीशन वन होगी, ये पोजीशन टू पे आया, यहाँ पर भी स्पीड क्या रहेंगी, वी। तो जब मैं ये रेडियस बनाऊंगा दोनों का, ठीक है, इसके बीच का एंगल जब थीटा रहता है, कब फाइंड करना है, जब सेंटर से एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, तब मुझे चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पर एक पोजीशन है, फिर ये यहाँ पर आ गया दूसरा, ठीक है, जब यहाँ पर मेरा ये थ्री पोजीशन आता है, तो ये दोनों का टू एंड थ्री के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो मुझे इन दोनों के बीच का फाइंड करना है। लेकिन एंगल कम ज्यादा भी हो सकता है, कि पार्टिकल तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो कब फाइंड करना है, उसने स्पेसिफाई किया है कब फाइंड करना है, जब एंगल पर्टिकुलर थीटा बनाएगा, अब थीटा कुछ भी हो सकता है, जब एंगल 60 डिग्री बनाएगा तब फाइंड करना है ना, चेंज इन वेलोसिटी। जब 30 डिग्री बनाएगा ऐसा पूछ सकता है, तब फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी। 90 डिग्री बनाएगा तब फाइंड करना है, तो उसने एक स्पेसिफाई किया है कि अभी थीटा डिग्री बनाएगा तब फाइंड करना है। तो हम कंसीडर क्या करेंगे कि एक पार्टिकल है, उसका एक पोजीशन नंबर वन ये है, वो मूवमेंट करके पोजीशन नंबर टू पे आ गया, और जब वन से टू पर आया तब वो एंगल बना रहा है थीटा डिग्री, तो मुझे फाइंड क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर वी का रिजल्टेंट फाइंड करना है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 - v1 फाइंड करना है। ये क्या है, फाइनल पोजीशन ये कहलाएगा, इसमें इनिशियल पोजीशन ये कहलाएगा, तो v2 - v1 फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर v2 एंड v1 क्या है, सेम ही तो है ना, v ही है, तो मुझे वेक्टर v2 - v1 फाइंड करना है या वेक्टर v - वेक्टर v फाइंड करना है। अच्छा आप ये कहोगे कि इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या एक जैसी स्पीड है, समझ लीजिए स्पीड 10 है, तो 10 - 10, क्योंकि दोनों पोजिशन पे 10 10 ही रहेगा, तो 10 - 10 जीरो हो जाएगा। नहीं, हमें वेक्टर एडिशन करना है या वेक्टर सब्सट्रैक्शन करना है। वो सिंपल मैथमेटिकल टूल में वैसा होता है कि हम डायरेक्टली उसको सिंप्लीफाई ऑफ 10 - 10 10 लिख देते हैं, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता, मैं बता चुका हूँ। हमें फाइंड क्या करना है, ये क्वांटिटी सिंपल कैसे फाइंड करेंगे, हम आर कैसे निकालते हैं a - b का, वही फंडा यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए यहाँ पर, इस प्रॉब्लम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेंजेंट क्या होता है। एक पार्टिकल है वो यहाँ पर है, तो इसका टेंजेंट क्या होगा, अगर वेलोसिटी जो होती है वो टेंजेंशियली एक्ट करती है, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी एक्ट करेंगी, तो टेंजेंशियली क्या होता है, मतलब ये इस सर्कल से टेंजेंट बना रही है। ये कंसिडर कीजिए सेंटर है, ये रेडियस है, ये जो रेडियस है रेडियस से परपेंडिकुलर, उसको कहते हैं टेंजेंशियली, रेडियस से परपेंडिकुलर। जैसे कि ये रेडियस है, रेडियस से परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर टेंजेंशियली वेलोसिटी एक्ट होती है। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर कहां वेलोसिटी एक्ट होगी, ये देखिए ये रेडियस है, रेडियस से परफेक्टली 90 डिग्री पर हमारा वेलोसिटी एक्चुअली एक्ट कहाँ हो रहा है, 90 डिग्री पर टेंजेंशियली। एक्चुअली ये वी कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। उसी तरीके से यहाँ देखिए ये भी क्या हो रहा है, टेंजेंशियली जाएगा, है ना। ये रेडियस है, रेडियस से 90 डिग्री पर टेंजेंशियली ये वी कहाँ एक्ट हो रहा है, टेंजेंशियली एक्ट होता है। उसी तरीके से यहाँ और बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर हमारा यहाँ पर पार्टिकल होता है, तो पार्टिकल अगर यहाँ से मूवमेंट करके यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये रेडियस है, रेडियस से 90 डिग्री पर वी एक्ट होता है। अगर हमारा पार्टिकल फिर यहाँ पर आ गया, तो ये रेडियस है, रेडियस से 90 डिग्री पर वी एक्ट होगा। मतलब कैसे एक्ट होगा, टेंजेंशियली एक्ट होगा वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या किया हमने, टेंजेंशियली बना लिया है। अब हम देखते हैं ये एंगल है दोनों के बीच का थीटा, तो हमें क्या लेना होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, पहले तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर, v1 v2 दोनों सेम ही है, तो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी लेते थे हम, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ट्वाइस v इंटू वी ही लेंगे कॉस थीटा,
ये आ गया हमारा फॉर्मूला तो हमें मिल गया। देन ये थीटा क्या होगा एंगल, यहां पर थीटा क्या होगा द एंगल बिटवीन वी एंड वी, द एंगल बिटवीन वी एंड माइनस वी नहीं होगा। जैसे कि ये वी कंसिडर कीजिए, इसका माइनस वी क्या होगा, ये वी कंसिडर कीजिए तो वी का माइनस वी क्या होगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन। तो हम एंगल बिटवीन वी एंड माइनस वी नहीं लेंगे, मैं बता चुका हूं हम एंगल बिटवीन वी एंड वी लेंगे। देन एंगल बिटवीन वी एंड वी कैसे निकालेंगे, अब ये एक प्रॉब्लम आ गई कि हम एंगल बिटवीन वी एंड वी कैसे निकालेंगे। यहां पर ही देखिए हम पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। अगर मैं पैरेलल शिफ्टिंग करता हूं, यहां देखिए कि ये हमारा सेंटर है, यहां से एक वेलोसिटी जा रही है वी, देन ये हो गया आर, देन इसको मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूं, है ना, कुछ नहीं किया, इसको उठा के यहां रख दे रहा हूं मैं, तो ये ऐसे कुछ दिखेगा राइट, ये ऐसे कुछ आ जाएगा, ये भी आ गया वी। हमने क्या किया यहां पर पैरेलल शिफ्टिंग कर दिया। यहां पर एंगल हमारा पहले से मुझे पता है, ये एंगल क्या था, ये एंगल था थीटा राइट, अभी हमने शिफ्ट कर दिया है। शिफ्टिंग के बाद अब मुझे निकालना है ये एंगल क्या होगा, इसको आप गौर से देखिए, ये ऐसे जा रहा है, अगर मैं इसका अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ, लीनियर बनाता हूँ अगर, तो यहाँ देखिए ये एक लाइन होगी, मतलब ये एक लीनियर लाइन के अंडर में जितने भी यहाँ पर ऊपर में या नीचे में जितने भी एंगल होते हैं सबका एडिशन 180 डिग्री होगा, मतलब यहाँ पर जितने भी एंगल बन रहे हैं 180 डिग्री हो गए। देन यहाँ पर देखिए ये तो परपेंडिकुलर है, ये क्लियर है आपको यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ऐसे सीधे गया है, ये इसके परपेंडिकुलर होगा। देन परपेंडिकुलर है तो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा राइट। ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, देन ये एंगल क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये भी बता चुका हूँ टेंजेंशियल है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी क्या होगा फिर थीटा हो जाएगा। कैसे, अभी देखिए मैं आपको अलग से ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये ऐसा कुछ है, यहां से ये ऐसा कुछ बना रहा है, ये इतना पोर्शन मैं आपको अलग सेपरेट करके बता रहा हूँ। देन यहां से एक गया है V, ये भी गया है V, ये क्या है रेडियस एंड V क्या है 90 डिग्री पर है, ये वाला एंगल क्या दिया है मुझे थीटा, ये वाला एंगल क्या दिया है 90 डिग्री, ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा आ गया ये, तो ये 90 है, तो ये दोनों का एडिशन क्या आना चाहिए 90 आना चाहिए, जो थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। देखिए आप एडिशन करके थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल होकर दोनों का एडिशन 90 आएगा। देन यहां पर देखिए 90 माइनस थीटा हो गया और ये 90 हो गया, तो ये एंगल क्या होगा निकाल लीजिए इजीली, बहुत आसान है। कैसे करेंगे, ये सारे एंगल मिला के 180 डिग्री है, तो क्या करना होगा 90 माइनस थीटा मतलब ये एंगल प्लस ये 90 एंगल, इसमें प्लस 90 कर दिया, देन फिर ये एंगल कितना है ये पता करना है, तो क्या करेंगे अभी इक्वल्स टू क्या होगा 180 होगा ना, ये सबका एडिशन मिला के क्या आएगा 180 आएगा। तो अभी देखते हैं हम, ये क्वांटिटी इधर चले जाएगी, ये क्वांटिटी इधर चले जाएंगी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल होगा तो क्या आएगा 0 इक्वल्स टू माइनस थीटा प्लस जो हमें एंगल फाइंड करना है, फिर क्या होगा यहाँ से जो हमें फाइंड करना है एंगल वो क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा, मतलब ये एंगल क्या आ गया थीटा आ गया, क्लियर है अभी। तो एंगल क्या है ये वाला थीटा है, यानी वी एंड वी के बीच का एंगल क्या है थीटा है, वी एंड वी के बीच का एंगल थीटा है। आर इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक देख लीजिए, एक मैथमेटिक्स में आपने एक फॉर्मूला देखे होंगे, वन माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कोई फॉर्मूला देखा है आपने, इस फॉर्मूले में हम इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हो जाता है टू वी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी टू वी स्क्वायर अवेलेबल है, टू वी स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेंगे तो वन माइनस कॉस थीटा बचेगा। इस फॉर्मूले से मैं अगर वन माइनस कॉस थीटा को ऐसे भी लिख सकता हूँ टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, मतलब यहाँ पर टू थीटा था तो यहाँ पे थीटा एंगल आया, यहाँ पे थीटा एंगल है तो उसका हाफ थीटा बाय टू आया राइट। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा आर इक्वल्स टू टू वी स्क्वायर इन टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, ये मुझे मिल गया। देन ये हो जाएगा टू टू का स्क्वायर हो जाएगा, टू वी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टू वी, टू स्क्वायर वी स्क्वायर बाहर आके आ जाएगा टू वी अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय टू राइट। देन ये साइन स्क्वायर थीटा बाय टू है, यहां से जो मुझे मिला है कि स्क्वायर है ये भी, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाय टू भी रूट के बाहर आ जाएगा,
ऑटोमेटिकली तो ये स्क्वायर भी हट जाएगा, तो मुझे आर क्या मिल जाएगा, आर इक्वल्स टू 2v sin थीटा बाय 2। ये देखिए यहां पर एक चीज और ध्यान में रखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग से क्या क्या बता दिया है वो देख लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि सर्कुलर मोशन है, राइट, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसे कहा जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि उसका जो स्पीड है वो एक जैसा यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्मली कर रहा है। पार्टिकल क्या है, एक जैसी स्पीड से है, मतलब यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन बना रहा है, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसे कहा जाता है। ये जो पार्टिकल का ये केस है जिसमें एक जैसी स्पीड रहती है एंड सर्कुलर पाथ रहता है, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल। देन टेंजेंट वाला पॉइंट आपको मैंने समझाया कि टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंशियल मतलब जब भी वेलोसिटी या स्पीड एक्ट करता है तो पार्टिकल के टेंजेंशियल एक्ट करता है। पार्टिकल यहां पर है तो यहां से रेडियस बनाना है और रेडियस से परपेंडिकुलर या टेंजेंशियल हमें वेलोसिटी बनाना है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। देन हमने फिर शिफ्ट किया है वी को, यहां से यहां शिफ्ट किया, देन वी एंड वी के बीच का एंगल निकाल लिया। क्यों निकाला एंगल, ताकि हम यहां फॉर्मूले में पुट कर सके, इसलिए हमने V एंड V के बीच का एंगल निकाल लिया। देन एंगल कैसे निकाला कि इतना पोर्शन हमने अलग से यहाँ ड्रॉ कर लिया, ये थीटा एंगल है, ये 90 एंगल है, यहाँ पर गिवन ये 90 है थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये। देन ये पूरे पर जो एंगल जितने भी आएंगे 180 होंगे, तो 90 माइनस थीटा प्लस ये वाला 90 प्लस ये जो क्वेश्चन मार्क जो हमें फाइंड करना है वो हमने लिखा इक्वल्स टू 180, कुछ क्वांटिटी कैंसिल हो गई, वहां से थीटा निकल गया डायरेक्ट, हमें जो क्वेश्चन मार्क वाली क्वांटिटी थी ये एंगल हमें डायरेक्ट निकल गया थीटा, देन हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। सिंपल, एकदम इजी स्टेप्स है। यहां पर आपको याद रखना है कि ये जो है ये एक फॉर्मूला है, ना कि ये क्वेश्चन था, ये आपका फॉर्मूले का डेरिवेशन था, कि आपको डिराइव करना था ये फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हमारा रिजल्टेंट आया 2v sin थीटा बाय 2। ये कब यूज होगा ये फॉर्मूला, जब हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन गिवन रहेगा। ये कौन से केस में फॉर्मूला अप्लाई होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहां पर ये हो सकता है कि थीटा एंगल कुछ भी दे सकता है, प्रॉब्लम में कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री हुआ तो सिंपल आपको क्या करना है, 2v sin 30 बाय 2। अगर थीटा हमें 60 गिवन है तो फॉर्मूले में लग जाएगा 2v sin 60 बाय 2, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें केसेस बन सकते हैं अलग अलग, आप पहले ड्रॉ कर लीजिए, मैं बताता हूँ फिर। इसमें अगर ऐसा गिवन है मुझे कि एक सर्कल सर्कुलर पाथ कर रहा है, पाथ बना रहा है एक पार्टिकल, पहले वो पार्टिकल यहाँ है, फिर उसने सर्कुलर पाथ कितना बनाया, 1/4 ऑफ सर्कल बना लिया। 1/4 ऑफ सर्कल बोले तो पहले यहाँ था, अब वो यहाँ पर आ गया है ना, यानी पाव हिस्सा, पहले वो यहाँ था फिर वो यहाँ पर आ गया, तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री हो गया। मतलब थीटा क्या गिवन है मुझे, 1/4 ऑफ सर्कल गिवन है, मतलब थीटा गिवन है 90 डिग्री। उसी तरीके से जब ये 90 डिग्री रहेगा तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जब चेंज इन वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 2v sin थीटा बाय 2। तो 2 into जो भी वेलोसिटी समझ लीजिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 10 गिवन है मुझे वेलोसिटी, है ना, यूनिफॉर्म है, यहाँ भी 10 रहेंगी, यहाँ भी 10 रहेंगी, तो मैं इसे पुट करूंगा इंटू 10 into sin 90 बाय 2। समझ में आ गया अभी कैसे करना है। सिंपल, जब हमें 1/4 ऑफ सर्कल कहेगा कि भैया एक पार्टिकल है वो ट्रेवल कर रहा है, सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रहा है, और कितना ट्रेवल कर रहा है, 1/4 ऑफ सर्कल, ठीक है, तो 1/4 ऑफ सर्कल यानी एंगल, यहाँ पे थीटा स्पेसिफाई नहीं किया है, सिर्फ बताया 1/4 ऑफ सर्कल, इससे आपको समझना है ये एंगल क्या होगा, मतलब एंगल 90 डिग्री है, राइट। अगर एक पार्टिकल है वो सेमी सर्कल मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ बना रहा है लेकिन सेमी सर्कल बोलता है, अगर सर्कुलर पाथ में सेमी सर्कल तक के जा रहा है, तो यहां पर आ गया मतलब हाफ ऑफ सर्कल, तो हम एंगल क्या लेंगे, हाफ ऑफ सर्कल बोला है मतलब ये एंगल क्या लेंगे, हम 180 डिग्री लेंगे, राइट, 180 डिग्री लेना होगा, मतलब आर अगर हमें फाइंड करना है तो 2v sin 180 बाय 2 इस तरीके से लेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वेलोसिटी गिवन रहेगा, रिजल्टेंट पता चल जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर वो कहता है कि एक पार्टिकल है वो ऐसे मूव कर रहा है, कितना कर रहा है, 3/4 कर रहा है, तो 3/4 कर रहा है मतलब पहले पार्टिकल यहाँ था, देन पार्टिकल कहीं यहाँ आ गया 3/4, तो कैसे निकालेंगे, ये एंगल हमारा क्या होगा, थीटा, लेकिन थीटा हम हमेशा क्या लेंगे, छोटे वाला एंगल लेंगे, बड़ा एंगल नहीं लेना है, छोटा एंगल लेना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि 3/4 कहा है तो ये हो जाएगा, पहले पार्टिकल यहाँ था फिर यहाँ आ गया, सेमी सर्कल के भी आगे आ जाएगा, ये एंगल हमें फाइंड, ये एंगल देखना है कि
ये एंगल कितना होगा 3/4 में। तो ये देखिए एंगल हम ये वाला नहीं लेंगे, एक्चुअली हम लेंगे कौन सा, छोटा एंगल लेंगे यहाँ से यहाँ तक के, 180 से छोटा एंगल लेंगे, 180 से बड़ा एंगल नहीं लेंगे इस फॉर्मूले में। तो कैसे निकालेंगे, 3/4 ऑफ सर्कल, मतलब एक सर्कल में कितना एंगल बनाता है, जब एक पार्टिकल पूरा रोटेट कर रहा है सर्कल में तो कितना एंगल बनता है, ये पार्टिकल है यहाँ से यहाँ यहाँ आके ये कितना एंगल बनाएंगे, 360 डिग्री। तो मतलब ये पूरा सब मिलाकर कितना होता है, सारे एंगल मिला के सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। तो 3/4 एक सर्कल में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। तो 3/4 ऑफ 360 मतलब क्या हो जाएगा, ये काट पीट के जो भी एंगल यहाँ पर आएगा वो आपको दिया गिवन निकालना रहेगा, वो वैल्यू रहेंगी आपकी थीटा की, जो भी एंगल आता है। राइट, समझ में आ गया। अभी हो सकता है वो 3/4 दे, तो आपको क्या लिखना है, 3/4 × 360। यहाँ पर भी देखिए एंगल मैंने 180 आपको समझाया तो कैसा आया, 1/2 × 360 आ गया 180 एंगल थीटा। यहाँ पर देखिए 1/4 का है, मतलब 1/4 × 360 आ गया यहाँ पर बराबर 90 डिग्री। तो जो भी कहेगा, 1/4 का है, 3/4 का है, 3/8 का है, जो भी कहे, जो भी वैल्यू आपको गिवन रहेंगी वो आपको सिंपल इंटू 360 कर देना है, आपको थीटा निकल जाएगा। ये थीटा अगर आपका बहुत बड़ा रहा है 180 से, तो 360 में से उसको माइनस कर देंगे। आपको ये एंगल लेना है, छोटा एंगल 180 से छोटा लेना है। जैसे कि आपको अगर एक एंगल, ये वाला एंगल फॉर एग्जांपल आ जाता है 270 या 260 डिग्री आ गया आपका एक एंगल, है ना, एंगल बिटवीन ए एंड बी या वी एंड बी, ये एंगल जो है बड़ा आ गया काफी, 260 आ गया। तो आपको निकालते आना चाहिए कि आपको एंगल कौन सा लेना है, 360 में से 260 माइनस कर देना है तो 100 आ जाएगा। कैसे किए, ये आपका आया था 260 आया था, पूरा एंगल मिला के कितना होता है, 360 होता है, मुझे लेना है छोटे वाला एंगल लेना है। तो 360 माइनस 260, ये मुझे एंगल मिल जाएगा 100 डिग्री। राइट, इस तरीके से आपको लेना, ड्रॉ कर लीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत काम में आने वाले हैं। इसी ये पूरे बेसिक्स थे, हमने इस फॉर्मूले के प्रॉब्लम में, इस डेरिवेशन के प्रॉब्लम में सारी क्वांटिटी देख ली, सारे बेसिक्स देख लिए, जिससे हमें बहुत इजी हो जाएगा। अभी अगर हमें एंगल नहीं भी गिवन है, सिर्फ प्रॉब्लम में जो वर्ड रहेगा उससे हमें पता चल जाएगा कि एंगल कितना है। 1/4 ऑफ सर्कल, उस पार्टिकल ने कितना मूवमेंट किया, 1/4 ऑफ सर्कल, सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है, 1/4 ऑफ किया मतलब 1/4 × 360, कितना एंगल है, 90 डिग्री है। उसी तरीके से 2/3 ऑफ सर्कल, मतलब 2/3 × 360, तो वहां से हमें मिल जाएगा थीटा, मतलब एंगल कितना गिवन है, जो भी वैल्यू है हमें पता चल जाती है। ड्रॉ कर लीजिए, इस पे प्रॉब्लम देखते हैं नेक्स्ट। अ पार्टिकल स्लाइड्स विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, एक पार्टिकल है जो स्लाइड कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एट पी व्हेन इट रीचेस क्यू। पी पर क्या है स्पीड उसकी, 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, पी पर है 5 मीटर पर सेकेंड, ये आपको डायग्राम गिवन है। जब वो क्यू पर पहुंचता है, इट स्टिल मूव्स एट द 5 मीटर, यानी ये जब क्यू पर पहुंच रहा है तब भी इसकी स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है। मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है इसकी, है ना, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5। दूसरी चीज ये भी क्लियर हो रही है कि जो सर्कुलर थोड़ा दिख रहा है, इसका जो मूवमेंट है वो ऐसा जा रहा है, थोड़ा सर्कुलर बना रहा है, तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है ये। देन यहां पर देखते हैं, स्टिल मूव्स एट द 5 मीटर पर सेकेंड आफ्टर डिस्क्राइबिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट ओ। ओ से क्या कर रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। कब 5 मीटर पर सेकेंड है, जब वो क्यू पर पहुंच रहा है, आफ्टर डिस्क्राइबिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ओ। देन ओ से 60 डिग्री बना रहा है, एज शोन इन फिगर, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिटवीन पी एंड क्यू। पी एंड क्यू के बिटवीन जो वेलोसिटी का जो डिफरेंस होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगी, वो फाइंड करना है। अज्यूम दैट द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज सर्कुलर फ्रॉम पी एंड क्यू। पी से क्यू तक के जो पाथ है वो सर्कुलर अज्यूम करना है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि यूनिफॉर्म इसलिए वेलोसिटी सेम है, और वो खुद कह रहा है कि अज्यूम करिए कि ये सर्कुलर पाथ है पी से क्यू। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट हमारा यहाँ पर रिजल्टेंट फाइंड करना है, रिजल्टेंट मतलब चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या होगा, जैसे ए माइनस बी करते थे वैसे क्या होगा, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी। यहाँ भी वेलोसिटी सेम है, यहाँ भी सेम है, इसलिए मैंने सिर्फ वी वन वी टू ना लेते हुए वी दिया है। तो कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट, अभी देखा हमने 2V sin θ/2 क्या होगा, 2 × V is 5 × sin θ/2 sin θ/2 थीटा क्या गिवन है हमें, ये एंगल जो है थीटा है, थीटा बाय टू मतलब क्या होगा, sin 30। सिंपल, मैंने आपको एक एंगल भी बताया था, ये एंगल आपको याद होगा, लेक्चर में बता चुका हूं मैं,
ये होता था 30 डिग्री, ये होता था 60 डिग्री, ये होता था 2, ये होता था 90 डिग्री, 60 के अपोजिट वाला रूट 3 होता था, देन ये 30 के अपोजिट वाला 1 होता था। तो साइन 30 क्या होगा वो निकालना है हमें। साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट इज 1 एंड हाइपो इज 2, तो साइन 30 यहाँ से निकल जाएगा 1/2। देन यहाँ पर पुट करेंगे हम आर इक्वल्स टू 2 × 5 = 10 इंटू 1/2, ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया हमारा वैल्यू, 5 मीटर पर सेकेंड। कौन सा इस ऑप्शन में, 5, दिस विल बी करेक्ट। क्लियर है, ड्रॉ कर लीजिए। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा कि अगर आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है तो इतने पोर्शन को बार बार देखिएगा इस लेक्चर में, तो आपको और ज्यादा स्ट्रांग होते जाएगा, आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आते जाएगी खुद ब खुद। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। थैंक यू।